इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से गुलाब जामुन। इस वीडियो में हम गुलाब जामुन, रेडीमेड गुलाब जामुन के पाउडर यानी जो रेडीमेड गुलाब जामुन का मिक्स होता है उससे बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 250 ग्राम का रेडीमेड गुलाब जामुन का पाउडर लिया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें दूध मिलाते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। दूध हमने उबला हुआ लिया है, उबाल कर हम इसे ठंडा कर लिया है। इसमें हम दूध उबला हुआ ही यूज़ करेंगे। इस तरीके से देखिए हम मसलते हुए इसका डो तैयार करेंगे। हमारे गुलाब जामुन का डो तैयार हो गया है। हम यहाँ पे चाशनी बनने के लिए रख देंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी और आधा कटोरी यानी डेढ़ कटोरी चीनी लिया है। अब हम इसमें एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। चीनी के पिघलने तक इसे पकाएंगे। जब तक हमारा चाशनी पक रहा है तब तक हम इधर गुलाब जामुन के बॉल्स बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हमने पहले हाथों में घी लगा लिया है। अब हम इस तरीके से डो तोड़ते हुए गोल बनाएंगे। अब अपने हिसाब से छोटा या बड़ा गुलाब जामुन को जैसा बनाना है आप उस हिसाब से बॉल को बनाएं। ये देखिए हमारा एक गुलाब जामुन का बॉल रेडी है। इसी तरीके से हम सभी गुलाब जामुन के बॉल्स को बना लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे एक लंबा थोड़ा शेप दिया है गुलाब जामुन को। आप भी इसे मन चाहे शेप दे सकते हैं। ये देखिए हमारी चीनी अच्छी तरीके से पिघल चुकी है। अब हमने यहाँ पे कुछ इलायची ली जिसे हम चाशनी में डाल देंगे। इसे और 5 मिनट पकाएंगे। हम अपने गुलाब जामुन के बॉल्स को फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम एक एक करके गुलाब जामुन के बॉल्स को इसमें डालेंगे और ब्राउन होने तक लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि ये अंदर से भी पूरी तरह से पक जाए। पाँच मिनट पकाने के बाद अब हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे देखिए हमारे गुलाब जामुन भी ब्राउन हो गए हैं, इसे हम निकाल देंगे। गुलाब जामुन को निकाल कर हम डायरेक्ट गरम गरम चाशनी में इसे डाल देंगे। इसे हम आधे घंटे तक इसी में छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से चाशनी सोख ले। बाकी बचे हुए गुलाब जामुन के बॉल्स को भी हम फ्राई कर लेंगे और फिर उसे भी चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए आधे घंटे बाद हमारी बाजार जैसे गुलाब जामुन बनकर बिल्कुल तैयार है।
गुलाब जामुन के मिक्स से गुलाब जामुन को बनाना बहुत ही आसान है। अब हम गुलाब जामुन को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसे हम आपको कट करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अंदर से भी पूरा रस सूख चुका है। गुलाब जामुन की गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पे कुछ पिस्ता और काजू को पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है और ऊपर से डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप भी इस तरीके से डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारा बाजार जैसा टेस्टी गुलाब जामुन बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।